प्यारे विद्यार्थियों, बहुत समय पहले मुझे मेरे डाटाबेस में एक क्वेश्चन आया, व्हाट शुड आई डू टू बिकम ए कंप्लीट अकाउंटेंट विद टैक्सेशन। अर्थात हम टैक्सेशन से कैसे एक कंप्लीट अकाउंटेंट बन सकते हैं। देखो, टैक्सेशन में स्पेशलाइज करना तथा अकाउंटेंट बनना आपस में बहुत ज़्यादा इसमें रिलेशन है, क्योंकि हर एक देश में इनकम टैक्स का प्रोविज़न होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो इनकम इनकम कमाता है तथा एक लेवल से ज़्यादा इनकम होती है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो अकाउंटेंट को इस इनकम टैक्स लॉ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे अदर लॉज हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है, इसमें वैट आ गया, वैट के जो नियम है उसको पता होने चाहिए, एक्साइज ड्यूटी के नियम्स उसको पता होने चाहिए, इम्पोर्ट ड्यूटी है उसके नियम पता होना चाहिए। इसी प्रकार से उसे किस समय TDS की रिटर्न भरनी है, अगर वो किसी कंपनी में अकाउंटेंट है तो उसे यह पता होना चाहिए कि एडवांस टैक्स कब देना है, या ऑनलाइन पे कैसे ई रिटर्न फाइल करनी है। तो इन सब के लिए उसे अपना ध्यान विभिन्न अपडेट के माध्यम से करना चाहिए। वैसे तो भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपनी ऑफिशियल साइट है, जहाँ पे अकाउंटेंट समय समय पे अपडेट प्राप्त करते हैं। यदि आप अकाउंटेंट के रूप में योग्यता प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके लिए भी आवश्यक है कि हर तरह के टैक्स की साइट पे जाइए तथा उसमें अध्ययन कीजिए क्या अपडेट हुए हैं। सपोज सर्विस टैक्स में कुछ न्यू नोटिफिकेशन आती है तो उनको पढ़ें। पढ़ने से क्या है, आपका ज्ञान बढ़ेगा कि क्या न्यू प्रोविज़न आ गए हैं, उसके हिसाब से आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अकाउंटेंट है वो तो आपको ही रिटर्न भरनी पड़ेगी, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। ठीक है, तो पढ़ना बहुत आवश्यक है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक पता कैसे लगेगा। यह बात अलग है कि आपको समझ नहीं आया, समझ आने के लिए बार बार अध्ययन करना तथा उसमें से क्या निष्कर्ष निकला उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यह भी कहा गया है, ओनली फॉर वंस एंड फॉर एवर। अगर एक बार आपकी रुचि बन गई इन किताबों को पढ़ने की, उनके अपडेट्स प्राप्त करने की, तो आपके लिए टैक्सेशन कोई मुश्किल बात नहीं आएगी। तथा उसके बाद आता है कि कैसे इन टैक्सेशन को अकाउंट्स में सम्मिलित किया जाए। मान लो आपने सर्विस टैक्स दिया तो सर्विस टैक्स पेमेंट की वोचर एंट्री आपको आनी चाहिए, वैट इनपुट दिया है या आउटपुट दिया है परचेज या सेल के साथ, तो उसकी एंट्री आपको आनी चाहिए। तथा इसका जो डिफरेंस बनता है, नेट जो पेमेंट गवर्नमेंट को की गई है या गवर्नमेंट ने आपको पेमेंट वापस दी है रिफंड के रूप में, तो उसकी एंट्री भी आपको आनी चाहिए। तो यह अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक आपको पता होना चाहिए कि इसकी अकाउंटिंग क्या है। तो यह कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हर एक इनकम टैक्स प्रोविज़न के साथ चलता है, उसकी एक धारा होती है, तो
हरेक नियम को समझना, उसे अपने मस्तिष्क में रखना बहुत आवश्यक है, तभी आप परफेक्ट बन सकते हो। ओके, धन्यवाद।